31 साल बाद रक्षाबंधन पर महासंयोग बन रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार ये त्यौहार सावन के आखिरी सोमवार यानी 3 अगस्त को पड़ रहा है। ये रक्षाबंधन बहुत खास होने वाला है। इस साल रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि और आयुष्मान दीर्घायु का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक रक्षाबंधन पर ऐसा शुभ संयोग 29 साल बाद आया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन के दिन किस शुभ मुहूर्त में राखी बांधना उचित रहेगा। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस संयोग का किस तरह से लाभ उठाया जा सकता है। राखी बांधते समय बहनों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। रक्षा सूत्र बांधने के समय भद्रा नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि रावण की बहन ने उसे भद्रा काल में ही राखी बांध दी थी, इसलिए रावण का विनाश हो गया। इस बार 3 अगस्त को भद्रा सुबह 9:29 तक है। राखी का त्यौहार सुबह 9:30 से शुरू हो जाएगा। राखी बांधने के लिए दोपहर को 1:35 से लेकर शाम 4:35 तक बहुत ही अच्छा समय है। इसके बाद शाम को 7:30 से लेकर रात 9:30 के बीच बहुत अच्छा मुहूर्त है। ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो रक्षाबंधन के दिन बहुत ही अच्छे ग्रह नक्षत्रों का संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। यह योग सुबह 6:51 से लग जाएगा, लेकिन बीच में भद्रा को छोड़कर शाम तक ये योग बहुत ही फलदायी रहेगा। इसके साथ ही रक्षाबंधन पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रावण नक्षत्र रहेगा, जो रक्षाबंधन की दृष्टि से अति उत्तम है। इस संयोग में राखी बांधने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा इस दिन आयुष्मान दीर्घायु योग है। इसका मतलब है कि इस मुहूर्त में राखी बंधवाने वाले भाइयों और राखी बांधने वाली बहनों की आयु लंबी हो जाएगी। इसके साथ ही 3 अगस्त को सावन की पूर्णिमा है। ऐसा संयोग बहुत कम आता है कि सोमवार के दिन पूर्णिमा पड़ जाए। इस दिन कई लोग व्रत में रहेंगे, ऐसे में राखी बांधना और भी शुभ रहेगा। इसके अलावा 3 अगस्त को चंद्रमा का भी श्रवण नक्षत्र है। मकर राशि का स्वामी शनि और सूर्य आपस में सम सप्तक योग बना रहे हैं। शनि और सूर्य दोनों आयु बढ़ाते हैं। ये वही संयोग है जो 29 साल बाद आया है। इस बार कोरोना वायरस की वजह से कई भाई बहन रक्षाबंधन के त्योहार पर नहीं मिल पाएंगे। इसके लिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिषाचार्यों ने इसका उपाय निश्चित किया है। भाई बहन अलग अलग भी रहते हुए रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। बहनें वीडियो कॉल करके भाई को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर सामने रखकर उन्हें भाई मानकर उनके सामने राखी रख दें। ऐसे में रक्षाबंधन का फल भाई को मिल जाएगा। भाई ऑनलाइन वीडियो कॉल पर भी बहनों को आशीर्वाद दे दें। बहनें भगवान श्री कृष्ण जी के सामने भोजन का भोग लगाकर भाई को दिखा दें। इस योग में सभी 12 राशियों का भला होने वाला है। इस दिन आप जो भी मनोकामना लेकर श्री कृष्ण के सामने राखी का त्यौहार मनाएंगे वो सभी पूरी होंगी। राखी बांधते समय कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। बहनों को चाहिए कि रक्षा सूत्र बांधते समय भाई को पूर्व दिशा की ओर बैठाएं। अगर पीड़ा आम की लकड़ी का बना हो तो सर्वश्रेष्ठ है। भाई को तिलक लगाते समय बहन का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद भाई के माथे पर टीका लगाकर दाहिने हाथ पर रक्षा सूत्र बांधें। राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारें। उसके बाद बहनें भाई को मिठाई खिलाएं। कई जगह बहनें इस दिन अपने भाई की सिक्के से नजर भी उतारती हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।